इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नो बेक चॉकलेट केक की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैरी बिस्किट ले लीजिएगा, उनको क्रश करके इस तरह एक बाउल में साइड पे रख दीजिए। अब एक पतीली में आपने कोका पाउडर, शुगर और एक कप मिल्क लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह विस्क कर लीजिएगा ताकि कोई भी इनमें लंप ना बने और तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने थोड़ी देर फ्लेम पे रख के इसको पकाना है। जब ये टेक्सचर इसका गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें मक्खन शामिल कर देना है। मक्खन शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है ताकि इसका शाइनी सा टेक्सचर आ जाए और ये ज़्यादा रनी ना हो, और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को बिस्किट्स के ऊपर डालना है और तमाम बिस्किट्स को इस चॉकलेट मिक्सचर में अच्छी तरह कोट कर लीजिएगा। अच्छी तरह कोट करने के बाद आपने एक मोल्ड ले लेना है, उस मोल्ड में इस तमाम बैटर को डाल दीजिएगा और अच्छे से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे के बाद आपने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, बाकी की बचे हुए चॉकलेट मिक्सचर को इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा। कुछ चॉकलेट चिप्स और एडिबल चॉकलेट बॉल्स वगैरह इसके ऊपर जो भी आपके पास हो वो डाल के इसको डेकोरेट कीजिएगा। और देखिए कितना खूबसूरत नो बेक चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। ये बहुत ही जूसी और क्रीमी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।